तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा पॉकेट पावर बैंक बनाकर दिखाने वाला हूँ जो कि साइज में काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, लेकिन ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है क्योंकि ये आपके फोन को लगभग 5 बार आसानी से चार्ज कर देगा और इसको कोई भी आसानी से अपने घर में बना सकता है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं। तो मैंने कुछ पीवीसी पाइप के शीट बना ली है कुछ इस तरीके से, आप लोग देख सकते हो। और इसी प्रकार से जो दोनों बेस है उनका डायमेंशन सेम है, तो इन सभी का यूज करके मैं एक पावर बैंक का बॉक्स बना लेता हूँ। तो मैं इन सबको फेविक्विक की मदद से चिपका लूंगा। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि इन पीवीसी शीट में न्यूज़पेपर क्यों छपा हुआ है, तो बता दूं कि यहाँ पर जो पीवीसी शीट को जो मैं यहाँ पर इसका शीट बनाता हूँ, इस पीवीसी पाइप को, उसका जो मेथड है वो मैं अलग तरीके से करता हूँ। ज्यादातर लोग इसको हॉट एयर गन से करते हैं, लेकिन मैं इसको जो है आयरन से करता हूँ जो कि कपड़ा प्रेस करने वाला होता है। और पीवीसी पाइप को गर्म करते समय मैं इसके ऊपर न्यूज़पेपर या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर को बिछा देता हूँ ताकि जब हम इसको गर्म करें तो हमारा जो प्लास्टिक है वो मेल्ट होकर हमारे आयरन के साथ न चिपक जाए। उसके बाद मैं एक और पीवीसी शीट लिया हूँ और इसको मैं दूसरी तरफ लगाने वाला हूँ और इसी तरफ हमारा जो पावर बैंक का मॉड्यूल है वो भी लगेगा। और इसमें जो यूएसबी है उसके लिए हमको इसका एक सॉकेट कट करना होगा जिससे हम यूएसबी केबल को इसमें डाल सकें। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इस पीवीसी शीट में इस यूएसबी सॉकेट के साइज का मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें यूएसबी सॉकेट के साइज का मार्क कर लिया है और अब मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें कट कर लिया है और अब मैं इसको यहाँ पर चिपका लेता हूँ। उसके बाद मैं 18650 लिथियम आयन बैटरी लिया हूँ और मेरे पास टोटल 3 बैटरी है और इन्हीं का मैं यूज़ करने वाला हूँ। और आप लोग देख सकते हो ये 3.7 वोल्ट का होता है सभी, और इन सभी का जो mAh है वो आपको साफ साफ दिख रहा है 5000 mAh। और ये लोकल वाली बैटरी नहीं है, ये यहाँ पर ये ब्रांडेड वाली बैटरी है क्योंकि मुझे तो ऐसी लग रहा है इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो अब इसकी प्राइस की बात करें तो ऑनलाइन आपको ये 100 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल जाएगा। तो देखो मैं आपको इसका ओरिजिनल प्राइस नहीं बता सकता क्योंकि उससे बाकी लोग का जो धंधा है वो चौपट हो सकता है। तो मैं इन बैटरी के टर्मिनल पर स्क्रैच कर रहा हूँ क्योंकि उसके बिना यहाँ पर इसमें सोल्डरिंग नहीं होगा और आपको भी इसी तरह से यहाँ पर स्क्रैच कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा रहा हूँ और अब मैं इसमें शोल्डर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो ये बैटरी है वो कितने अच्छे तरीके से शोल्डर पकड़ रहा है। और इसी तरीके से मैं यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पर भी शोल्डर लगा लेता हूँ। और अब मैं इनका एक पैक बना रहा हूँ, बैटरी पैक बना रहा हूँ जिसमें हम इन तीनों बैटरी को आपस में कुछ इस तरीके से टेप लगा देंगे। और इन तीनों बैटरी को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कि इन तीनों का जो पॉजिटिव है वो एक तरफ रहेगा और हमारी जो नेगेटिव है वो एक तरफ रहेगा, जिससे कि इसका जो mAh है वो बढ़ जाएगा। और उसके बाद मैं एक रेड कलर की वायर लिया हूँ, तो मैं इन सभी बैटरी के पॉजिटिव को आपस में शोल्डर करूंगा और इसी तरीके से सभी के नेगेटिव को मैं आपस में शोल्डर कर लूंगा। और शोल्डर करते समय आपको ध्यान देना है कि आपका जो शोल्डरिंग आयरन का टिप है उसको बैटरी के टर्मिनल पर ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, वरना हमारी जो बैटरी है वो खराब हो सकती है। तो अब मैं आपको इस बैटरी का वोल्टेज चेक करा देता हूं और आप लोग देख सकते हो कि इसमें 3.78 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद मैं इस बैटरी पैक को इस कंटेनर के अंदर रख ले रहा हूं और आप लोग देख सकते हो इसका जो साइज है वो इसमें एक्यूरेट एकदम फिट बैठ रहा है। तो मैं इसको डबल साइड टेप से चिपका लेता हूँ। और आप लोग देख सकते हो कि ये मजबूती से चिपक चुका है और हमारी जो बैटरी है वो नहीं गिर रही है। तो अब मैं इस मॉड्यूल को इसमें लगा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे पास एक और मॉड्यूल है जिसमें यहाँ पर 2 USB है और मैं सिंगल USB इसलिए यूज़ कर रहा था क्योंकि हमारी जो 2 USB वाली है उसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो हमारी सिंगल USB है उसमें ज़्यादा एम्पियर का हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब जो हमारी कॉइल होती है ड्रम कॉइल वो हमारी ज़्यादा एम्पियर वाली है। और हमारी जो दूसरी डबल USB वाली उसमें प्रोटेक्शन के नाम पर कुछ नहीं है, उसमें ना ही लाइट का इंडिकेशन भी अच्छे तरीके से नहीं है और इसमें अच्छे तरीके से सब कुछ दिया गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं सर्किट को इसमें लगा लेता हूँ और हमारा जो USB है वो यहाँ पर थोड़ा सा लूज बैठ रहा है, तो मैं इसके नीचे एक डबल साइड टेप लगा दे रहा हूँ ताकि हमारा जो USB है वो यहाँ पर एकदम एक्यूरेट फिट बैठे।
और हमारा जो यूएसबी सॉकेट है उसको मैं फेयर क्योंकि मैं से इसमें चिपका दे रहा हूँ ताकि हमारा जो यूएसबी वो बाहर की तरफ ना निकले। और इसी तरीके से हमारा जो माइक्रो यूएसबी का सॉकेट है उसको भी मैं यहाँ पर नीचे चिपका दे रहा हूँ, और इसको थोड़ा सावधानी से चिपकाना है वरना हमारा जो फेयर क्यूक है वो इस सॉकेट के अंदर जा सकता है और हमारा जो सॉकेट है वो अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं इस बैटरी को इस सर्किट के साथ कनेक्ट कर ले रहा हूँ, तो हमारी जो रेड वाली है वो पॉजिटिव है और इसको मैं बी प्लस यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है सर्किट में वहां पर मैं इसको शोल्डर कर रहा हूँ, और हमारी जो नेगेटिव है उसको मैं यहाँ पर नेगेटिव में शोल्डर कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप उल्टा लगा दोगे तो हमारी जो सर्किट है वो एक बार में फूक जाएगी और ये कोई काम की नहीं रहेगी। तो देख सकते हो कि इसमें ब्लू कलर की लाइट जल रही है जिसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर इसके साइड के कवर को भी लगा लेते हैं, तो मैंने इसमें एक सॉकेट के लिए यहाँ पर एक कट बना दिया है और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको फेविक्विक से चिपका लेता हूँ। लेकिन इस चार्जिंग सॉकेट के ऊपर थोड़ा सा गैप है तो मैं एक पीवीसी शीट ले रहा हूँ और इसको इस सॉकेट के ऊपर रख के मैं इसको चिपका दे रहा हूँ जिससे कि हमारा जो सॉकेट है वो भी मजबूती से रहेगा और हमारा जो गैप है वो भी ढक जाएगा। और आखिर में इसके ऊपर का जो कवर है उसको भी चिपका लेते हैं। तो मैंने इसके ऊपर वाले कवर को अच्छे तरीके से चिपका लिया है और इसके बाद इसके जो साइड में जो एक्सेस प्लास्टिक है उसको भी हम निकाल देते हैं। और अब मैं इसको एमरी पेपर के मैं से पूरा घिस ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो ये पीवीसी शीट है उसके ऊपर न्यूज़पेपर के पूरे प्रिंट छपा हुआ था, तो मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर साफ कर लेता हूँ। तो फाइनली आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पावर बैंक है वो बनकर तैयार हो चुका है और इसका जो कलर है वो दिखने में काफ़ी शानदार लग रहा है एकदम वाइट कलर में। और आप चाहो तो इसको अलग से कलर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो अब मैं आपको इसको चार्ज करके दिखाता हूँ और आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो चार्जिंग इंडिकेशन है वो अच्छे तरीके से दिखा रहा है। जैसे आप चार्ज लगाओगे तो हमारे जो ब्लू लाइट है वो भी यहाँ पर जलेगी, वो हमारे बैटरी लेवल को इंडिकेट करेगी और हमारा जो रेड लाइट है वो भी जलेगा। और यहाँ पर हमारा जो व्हाइट शीट है वो एक थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, इस कारण से हमारा जो लाइट है वो बाहर आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा तरीके से भी दिख रहा है। हमको होल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी और इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। और अब मैं आपको इससे मोबाइल चार्ज करके दिखाता हूँ। तो देखो जैसे मैं इस चार्जर को यहाँ पर लगाता हूँ तो हमारा जो पावर बैंक में इंडिकेशन भी दिखा दे रहा है कि हमारी जो पावर बैंक है वो 3 लेवल तक चार्ज है और हमारा जो फ़ोन है वो अच्छे तरीके से चार्ज हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप आसानी से अपने घर में पावर बैंक बना सकते हो और आपको जो mAh है वो आप अपने हिसाब से इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हो कम या ज़्यादा mAh की बैटरी लगाकर। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।